गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं दीवा के स्कूल फिर से, क्योंकि है आज उसका स्पोर्ट्स डे। सुबह के बज रहे हैं 9:15, तो देखते हैं आज दीवा क्या करने वाली है अपने स्पोर्ट्स डे में। अभी हमारा चलान कटने वाला था, बच गए, पॉल्यूशन नहीं था नितिन का थोड़ी रिक्वेस्ट कर ली हमने तो बच गए, वरना आज मोटा मोटा चलान कटना था नितिन का। मोटा चलान कटना था इतनी मुश्किल से यार, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों से पीछा छुड़वाना। पकड़ लिया उन्होंने, पेट्रोल पंप पे ही पकड़ लिया। बताओ यार, ये क्या बात होती है। चलो, बच गए चलान देने से, तो चलते हैं दीवा के स्कूल। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं दीवा के स्कूल, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है उनका फंक्शन। गाइज, दीवा का हो गया स्पोर्ट्स डे, ये आ गई है परी। परी हमें नजर ही नहीं आई पूरी ड्रिल में, कहाँ पे थी। ये कह रही है कि मैंने आपको देख लिया था, आप कहाँ बैठे थे, हमें आप दिखे ही नहीं बेटा। इतने सारे बच्चे सेम उसमें थे ना, कॉस्ट्यूम में। हाँ। तो नजर नहीं आई। मैंने आपको देख लिया कपड़ों में। अच्छा, मम्मा के कपड़े पहचान लिए थे आपने। हाँ। कि वो और किसी के पास नहीं हो सकती ऐसी शर्ट। तो मैं क्या करूं, पर मैंने आपके लिपस्टिक से संभाल लिया। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं बंगला साहिब बाबा जी के दर्शन करने और प्रसाद खाने। बड़ा दिल कर रहा है बिल्कुल इसके स्कूल के सामने है ना, तो चलो। मैंने कहा आज बाबा जी बुला रहे हैं, दर्शन भी करके आते हैं और लंगर भी शक के आते हैं। फिर प्रसाद लंगर ही तो होता है बेटे, और क्या होता है, वो प्रसाद ही तो होता है। पहुंच ही गए हैं, ये सामने ही तो है बिल्कुल स्कूल के। पहुंच गए, पार्क कर रहे हैं कार। दीवा, हलवा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत है। हलवा खा के ना गुरुद्वारे का बड़ा अच्छा लगता, मजा आ जाता है ना, तृप्त हो गया, ऐसा घर में नहीं बनता। किस किस को गुरुद्वारे का हलवा पसंद है गाइस, कमेंट करके बताओ मुझे। हम छोटे थे ना, तो दो दो तीन तीन वाली लाइनों में लग जाते थे हलवा खाने के लिए। इतना स्वाद होता था हलवा यार, आज भी वैसे ही टेस्ट है, सेम टेस्ट है, कभी टेस्ट नहीं बदला है हलवे का। मजा आ जाता है खाने में। पता, बंदा की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो बिल्कुल तृप्त हो जाती है। तृप्त? अच्छा, आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है प्रसाद खा के। और क्या, गुस्सा हो जाती है और स्माइल करती है। लंगर भी खाया है हमने। सो गाइस, रेस्ट कर लिया है हमने, दीवा ने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, और अब हम खेलने वाले दीवा के साथ एक गेम, क्योंकि आज था इसका स्पोर्ट्स डे और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि हम देख नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर थी ये, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया है सब पूरी क्लास ने। तो इसके लिए हम एक गिफ्ट लाए थे, लेकिन गिफ्ट खोलने से पहले इसको खेलनी पड़ेगी हमारे साथ गेम्स। ओ, गेम्स के नाम पे तो बहुत खुश हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीवा के साथ गेम खेलना। तो गाइज, इस गेम के हैं पार्टिसिपेंट दो, दीवा और दीवा के पापा। लेकिन गिफ्ट तो हमारे पास एक ही है। थ्री गेम्स खेलेंगे और थ्री गेम्स में से जो टू गेम्स नेक्स्ट जीतेगा उसको वो गिफ्ट मिलेगा। तो गाइस, फर्स्ट गेम हमारी ये है कि मैंने ये ग्लासेस पे कलर कर दिए हैं बैक साइड पे, और इन्हें अब मैं सीधा करके शफल कर दूंगी, और शफल करने के बाद दोनों पार्टिसिपेंट्स को टर्न वाइज ये कलर्स करेक्ट ग्लासेस में डालने हैं, और जो जितने करेक्ट ग्लासेस में वो कलर निकलेंगे उतने उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दीवा। यस,
समझ के डाल। हाँ हाँ सोच समझ के डाल लो। देखते कितने करेक्ट निकल थे दीवा के। दीवा ने फोकस किया कि नहीं। सारे कलर्स हो गए। तो चलो देखते हैं दीवा के कितने कलर्स करेक्ट है। ये रॉन्ग, गलत। नो ओ करेक्ट, वन करेक्ट, वन वन पॉइंट, वन पॉइंट, वन पॉइंट। रॉन्ग रॉन्ग, लाइट ग्रीन था। रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, रॉन्ग। दीवा को मिला वन पॉइंट। आराम से करूंगा मैं, इतना सोचने का टाइम थोड़ी ना मिलता है, गेम है कोई। ये अब रटा लगा रहे हैं, पहले तोड़ता है बड़ा, फिर रटा लगा रहे हैं, पूरा हो गया। डन हो गए सारे कलर्स, सब डाल दिए मैंने। चलो चेक करते हैं। अब पापा के देखें। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, चलो रॉन्ग 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 रॉन्ग, कहाँ रॉन्ग, सारे रॉन्ग। जीरो पॉइंट। देखा, इस गेम की विनर है दीवा। तो गाइस सेकंड गेम है, ये थ्री ग्लासेस हैं और इसमें ये एक ग्लास के नीचे मैं बॉल रखूंगी और उन्हें मैं शफल करती रहूंगी और जब मैं रुकूंगी तो इनमें से दीवा की टर्न है पहले, तो ये गैस करेगी कि बॉल किस ग्लास के नीचे है। ठीक है दीवा, चलो दीवा टेल। वाह दीवा ने तो बता दिया करेक्ट। दीवा दूसरी गेम में जीत गई ना। पापा स्टर्न, अब कितना फोकस है पापा का, ये देखते हैं पापा। नहीं तो पापा को खुद आंखें बंद कर रही है, पापा की आंखें बंद नहीं की है। चल आकड़ी, चलो पापा टेल। पापा का फोकस गॉन, पापा का फोकस गॉन। चलो चलो कोई वो ढालो वाली है, पापा गैस कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, ये तो गैसिंग हो रहा है। हटाओ ग्लास, हटाओ। यस ये तो पापा ने गैस किया है, पापा ने फोकस नहीं किया, नितिन ने फोकस नहीं किया। नहीं मैंने फोकस किया, मुझे पता है तुमने गैस किया है। ये गेम तो, ये गेम तो अच्छा दीवा, ठीक है पापा का भी करेक्ट था तो दोनों ने गेम जीत लिया गाइस, लेकिन दीवा के टू हो गए और पापा के वन, क्योंकि दीवा ने टू गेम्स जीती हैं। तो अब नेक्स्ट गेम, तो गाइस थर्ड गेम है, ये दोनों खड़े होंगे और खड़े होके मैं इनको जो बोलूंगी वो करना है। हेड शोल्डर नीज एंड टोस, सुना है गाना? तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपको अपना बॉडी पार्ट टच करना है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, हेड के बाद शोल्डर जरूरी नहीं है मैं बोलूँ, मैं नीज भी बोल सकती हूँ, मैं टोस भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट है। दीवा के आगे रखा है मैंने एक कॉइन और ये रखा है पापा के आगे एक कॉइन। ठीक है, नहीं सुनो, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगी हेड तो हेड टच करना है, शोल्डर तो शोल्डर, जो मैं बॉडी पार्ट बोलूंगी वही टच करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉइन बोलूंगी, तो कॉइन को जो नहीं, जो उठा लेगा वो विनर, जो नहीं उठाएगा वो लूजर। हेड शोल्डर नीज टोस, हेड शोल्डर नीज टोस, कॉइन। दोनों ने उठा लिया। चलो अब मैं फिर से एक एक कॉइन रखती हूँ, जो भाई जो हारेगा वही तो करेगा ना। ठीक है, हेड शोल्डर नीज टोस, हेड शोल्डर नीज टोस, हेड टोस। बाबा हार गए।
पापा ने हेड की जगह दीवा करेक्ट है, पापा ने हेड की जगह शोल्डर टच कर दिया, तो पापा तो वैसे ही हार गए। तो गाइस इस गेम की भी विनर है दीवा, और दीवा के हो गए 3 और पापा के हो गए 1। लेट्स क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। तो अब है गिफ्ट की बारी। तो गाइस ये रहा दीवा का गिफ्ट, ये वो ही गिफ्ट है जो हम लोग प्रगति मैदान से दीवा के लिए लेकर आए थे, तो आज दीवा इसे अनबॉक्स करेगी। वेलकम। ये है गाइस फन लर्निंग गेम, बच्चों के लिए एक्टिविटी गेम है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे प्ले करते हैं। यू कैन मेक मोर देन 300 डिजाइंस। Oh my God, this for activity is for me. और गाइस जब भी मैं स्कूल से आऊंगी मैं इसको ले लूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, लूंगी सीधा बैठूंगी और मैं एक्टिविटीज करूंगी। आपको ये ब्लॉक्स मिले हैं दीवा, और ये ब्लॉक्स आपको सेट करने पड़ेंगे पहले आपको, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें बनती है दीवा। वेट वेट, ये देखो ये आपको ऐसे ना, ये इसको ऐसे ज्वाइन करके आप बना सकते हो। देखो दीवा ये देखो, इसमें से ये बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इसमें, और ये ऐसे ऐसे इस तरह के सामान है इसमें, मतलब चरखरियां सी है इसमें, ठीक है? तो चरखरियों का काम है, और ऐसे बेस हैं और ये ऐसी चरखरियां सी दे रखी हैं इसमें। तो ये अभी मैंने छोटा सा बेस ले लिया है, ठीक है? और इसके ऊपर ना, इसके साथ हम ये मोटर है, इससे चलेगा सब कुछ। तो ये मोटर मैंने यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ आप इससे कुछ भी बना सकते हो, क्रिएटिविटी आपकी खुद की होगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया है, ये होज दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, ठीक है? छोटी चक्री, ठीक है? तो अब इसके साथ हमने ये अटैच कर दिया। अब टॉयस भी दे रखे हैं, देखो टेडी बियर वगैरह भी दिया हुआ ना, ये देखो। अब देखो ये हम इसको ऑन कर देंगे ना, तो ये चलने लग गया है ना, घूमी घूमी कर रहा है। अब इसको आप ये पूरे ब्लॉक्स का कुछ बना सकते हो, बिल्डिंग भी बना सकते हो, बस भी बना सकते हो बहुत सुंदर सी, कार भी बना सकते हो, इन्हें एज अ व्हील यूज कर सकते हो, व्हील बस के व्हील भी यूज हो सकते, व्हील एज अ व्हील यूज कर सकते हो। थैंक गॉड दीवा को उसका गिफ्ट पसंद आ गया। ये बहुत चूजी है ना गिफ्ट्स के मामले में, तो थोड़ा सा रहता है इसको क्या पसंद आएगा कि क्या नहीं पसंद आएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड भी यही करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।